छावरनगर के अनाज मंडी में किसानों का आरोप है कि उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। वहीं मंडी में अव्यवस्थाएं हैं, एक और सब्जी मंडी में प्याज और लहसुन के दाम उचित मिल रहे हैं। किसानों का कहना है कि छावर गल्ला मंडी में अनाज व्यापारी स्थानीय होने के कारण उनकी मोनोपोली के चलते उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, जबकि सब्जी मंडी में स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ सीहोर के व्यापारी लहसुन प्याज की नीलामी में लाइसेंस लेकर नीलामी खरीदी में लहसुन प्याज खरीद रहे हैं, जिससे किसानों को सब्जी मंडी में लहसुन प्याज का उचित दाम मिल रहा है। जबकि गल्ला मंडी व्यापारी लाख दावा कर रहे हैं कि उनकी फसलों का इछावर गल्ला मंडी में अनाज का उचित मूल्य किसानों को मिल रहा है और किसान अनाज मंडी में भाव से संतुष्ट है। वहीं किसानों को अनाज मंडी में उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिलने और मंडी में अव्यवस्थाओं के चलते वे परेशान हैं। इछावर से जलील खान की रिपोर्ट। नाम है दादा? द्वारका प्रसाद। आज ये जो मंडी में आप लेके आए थे लहसुन, क्या भाव बिका आपका? 29,500। अच्छा, आप इससे संतुष्ट हैं? भाव से संतुष्ट हैं? कैसा लगा है मंडी का भाव आपको? बढ़िया लगा। अब आपकी जितनी भी उपज निकले लहसुन प्याज की, इसी मंडी में लेके आएंगे? हाँ, ये लेके आएंगे ना। मतलब आपको आपको अच्छा रेट मिला? अच्छा मिला। खुश है? खुश है। दादा क्या नाम है आपका? कैलाश। कहाँ के, क्या गांव के किसान हो? कल्याणपुरा। ये क्या लेके आए आज? सोयाबीन। क्या भाव बिका आपका सोयाबीन? अभी नीलामी नहीं आई हमारे पास। अच्छा, हाँ। तो यहाँ मंडी को लेकर कुछ कहेंगे आप? मंडी के यही किसानों की ज़्यादा परेशानी है इछावर के मंडी के अंदर। अच्छा, तो भाव को लेकर क्या कहेंगे आप? भाव कैसा चल रहा है? सही काम है, काम मिल रहा है, भाव भी नहीं मिल रहा है सही। अच्छा, मतलब जो मिलना चाहिए वो भाव नहीं मिल रहा? हाँ, नहीं मिल रहा भाव। क्या नाम है भाई आपका? अंतर सिंह नागर। कहाँ के? कहाँ? कल्याणपुरा ढाका। ये इछावर मंडी में सोयाबीन नीलाम में हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये नीलाम में भाव में बहुत कम ले रहा है जी। गवर्नमेंट रेट तो कम से कम मिलना चाहिए, समर्थन मूल्य जो है। जैसा आप कह रहे थे कि मंडी में अव्यवस्थाएं, क्या है अव्यवस्थाएं? अव्यवस्थाएं यहाँ नीलामी की सही नहीं है। अच्छा, आगे पीछे सब कर रहे हैं, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला है, सब मनमाना ढंग से हो रहा है। पास इतना ही। सर, ये गल्ला मंडी छावर में सोयाबीन और अन्य चीज़ें नीलामी हो रही है, क्या है भाव? सोयाबीन दागी मट्टीदार 2500 से लेकर 4000 रुपया। अच्छा वाला बेस सोयाबीन बिक रहा है 4,4500 से लेकर 4,650 रुपया। आज मक्का में 150 रुपये का उछाल आया। नीचे वाली जो मक्का 1350 बिक रही थी वो बिकने लगी 1650 रुपये, और ऊंचे में बिक रही 2200 से लेकर 2300 रुपया। गेहूँ बिक रहा है 2700 से 2900 रुपया। चना बिक रहा है 7000 रुपया, और सफ़ेद चना बिक रहा है 9500 से लेकर 10000 रुपया। आवक बहुत अच्छी है इछावर मंडी में, सभी किसान संतुष्ट हैं। थोड़ी सी आवक का प्रेशर होने के कारण थोड़ी कभी कभी अव्यवस्था हो जाती है, लेकिन हमारे मंडी सचिव निरंतर आवक के को देखते हुए बहुत सुधार कर रहे हैं, और बहुत आज व्यवस्थित रूप से आज लीलाम प्रारंभ हुआ, और सुबह से लेकर शाम तक पूरा लीलाम एक दिन में निपट जाता है। मैं सभी कृषक बंधुओं का भी बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारी मंडी नगद की मंडी है, प्रत्येक किसान को नगद चुका रहा होता है, और शाम को सब माल तोल के घर चले जाते हैं। लेकिन सर, किसानों का ये आरोप है कि किसान यह मंडी में आने के बाद परेशान है और उसको सही दाम नहीं मिल रहा है। किसान परेशान नहीं है, भगवान ने उसको परेशान करा है। 21-11-35 सोयाबीन खराब हो गया, और खराब होने के बाद हार्वेस्टर से कटने के बाद गीला कटा, वो दागी हो गया, गीला हो गया। तो किसान क्या करे, व्यापारी क्या करे? जो किसान का माल हल्का आ रहा है वो निश्चित बिक्रिया कम भाव, लेकिन अच्छा सोयाबीन 4500 से लेके 4650 रुपये के आज भी भाव हैं।